की शराब से लालू है जेल में, लंबा अरसा गुजर गया, घर तितर बितर हो गया, आखिर किसका श्राप लग गया लालू को, ये आज सभी सोच रहे हैं। लेकिन ये सच है कि किसी के श्राप का ही सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी चीफ लालू यादव के तांत्रिक गुरु विभूति नारायण और पगला बाबा ने एक बार उन्हें श्राप दिया था। उन्होंने अपने मिर्जापुर के आश्रम में लालू से कहा था कि लालू तुझे घमंड है कि तू बहुत बड़ा पुरोधा है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लालू यादव के पगला गुरु बाबा ने ये बातें कही थी। बिहार विधानसभा से पहले 27 जुलाई 2013 की ये बात है। लालू यूपी के मिर्जापुर में बाबा के पास पहुंचे थे। ये बाबा उनके तांत्रिक गुरु थे। कहा जाता है कि पगला बाबा से लालू का रिश्ता बहुत पुराना था। कई मौकों पर पगला बाबा ने लालू और उनकी फैमिली के लिए अनुष्ठान किया था, जिसका फायदा लालू को मिला था। चुनाव से पहले लालू ने सत्ता में वापसी के लिए गुप्त तंत्र अनुष्ठान पगला बाबा से ही करवाया था। पगला बाबा ने लालू को तंत्र पूजा के बाद आश्रम में बने कटघरे में भी परिक्रमा करवाया था और उन्हें तप करने को कहा था। लालू के अच्छे दिन के लिए बाबा ने दिया था श्राप। पगला बाबा को औघड़ बताया जाता है। कहा जाता है कि औघड़ बाबा का श्राप आशीर्वाद होता है। अनुष्ठान के दौरान ही बाबा ने लालू के बेहतर दिन की वापसी के लिए उन्हें श्राप दिया था। बाबा ने चीख चीख कर श्राप दिया, लालू तुझे घमंड है, तू बहुत बड़ा पुरोधा है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। इससे पहले भी लालू ने साल 2011 में पगला बाबा के यहाँ पहुंचकर अनुष्ठान करवाया था। अनुष्ठान के बाद खुद लालू ने कहा था कि बाबा जी ने बचपन में मेरे जीवन की रक्षा तब की थी जब परिजनों और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। बता दें कि पगला बाबा तंत्र साधक थे, वो अटपटे कार्यों के लिए फेमस थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी की नहीं सुनते थे, भक्तों का दुख गाली देकर और उनको डंडे से पीटकर भगाते थे। उनके शिष्यों की माने तो उनकी आयु लगभग 450 साल की थी। उनके करीबी भक्त कहते हैं कि जैसे ही उनको याद करते थे, भले ही 1000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते थे। इसी साल 14 अप्रैल को बाबा विंध्याचल के आश्रम में आखिरी सांस ले चुके, लेकिन लालू के दिन नहीं लौटे। और आखिरकार अब कौन लौटाएगा लालू के दिन, ये सवाल बहुत बड़ा है। लालू प्रसाद यादव की क्या होगी कभी वापसी, सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आप तमाम दर्शकों को देंगे। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।